नमस्कार, एटी न्यूज इंडिया की बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं यशमी। बुलेटिन शुरू करने से पहले डालते हैं एक नजर सुर्खियों पर। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट का खेल, लाशों की लगी बोली। रंजिश के चलते पुत्र व प्रधान पर लगाया हत्या का आरोप। मेकअप के लिए रुपये न देने पर पति से मांगा तलाक। ससुराल वालों ने की जान लेने की कोशिश, बहू ने किया वीडियो वायरल। बाइक सवार व्यक्ति को वाहन ने मारी टक्कर, मौके पर मौत। अब बुलेटिन विस्तार से। अलीगढ़ के पोस्टमार्टम हाउस में हो रहा पोस्टमार्टम की रिपोर्ट बदलने का खेल। जी हां, लाशों का पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टर्स पर रुपये लेकर पोस्टमार्टम रिपोर्ट बदलने का सनसनीखेज आरोप लगाया गया है। बता दें, 16 वर्ष से पोस्टमार्टम हाउस में काम कर रहे कर्मचारी ने उस वक्त इस खुलासे को अंजाम दिया जब पोस्टमार्टम हाउस पर पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टर्स ने पोस्टमार्टम कराने आए एटा निवासी लोगों से पोस्टमार्टम कराने के नाम पर अल्कोहल के लिए रुपये मांगे। तब इस बात की सनसनी फैल गई कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट बदलने के बदले होता है रुपयों का खेल। क्या शिकायत क्या है आपकी? शिकायत कुछ नहीं है, मैं 16 साल से काफी अच्छी तरह से काम कर रहा था। कहाँ पर? पोस्टमार्टम हाउस पे। अच्छा, फिर आज यहाँ पे बहुत से फार्मासिस्ट आए, सब चले गए, सब ने तारीफ किया। डीएम बलकार सिंह रहे, उन्होंने मेरा लक्षण और काम का लगन देखा, मुझे अवार्ड भी दिया था। अब ये नए फार्मासिस्ट आए हैं केपी प्रेम सिंह, इन्होंने मुझ पर आरोप लगाया कि मैं किसी एटा के बॉडी थे जो जिसका पीएम हुआ, उस पर एल्कोहल के नाम पे हमने पैसे लिए, जबकि कोई भी नहीं कह सकता है कि मैं किसी से पैसे लेता हूँ। अगर हमने पैसे लिए हैं या तो आपने हमें लेते हुए देखा है तो आप मेरी गुनाह मैं कबूल सकता हूँ। अगर गलत आरोप लगा के हटाया गया है मुझे, मैं इस चीज़ को नहीं मान सकता। ना तो मुझे लिखित में नोटिस दिया गया कि मैं तुम्हें हटा रहा हूँ। क्या आप तो गलत काम करा है? नहीं, मैंने कोई गलत काम नहीं किया है। अलीगढ़ के ग्लास गांव अमरपुर थाना में विगत दिनों एक व्यक्ति की पीट पीट कर हत्या कर दी गई थी, जिसमें मृतक के परिजनों ने प्रधान देवेंद्र सिंह और उनके बेटे पर हत्या का मुकदमा लगाया। जबकि प्रधान के परिवार का कहना है कि प्रधान व उनका पुत्र घटना के समय मौके पर नहीं था, जिसके सभी साक्ष्य भी उनके पास मौजूद हैं। उनकी तरफ से सभी सबूत व साक्ष्य पुलिस को दिए गए। प्रधान के परिवार का आरोप है कि दूसरा पक्ष दो बार प्रधानी हार गया था, इस कारण वो हमसे रंजिश रखता है और रंजिश को लेकर वो हम पर पहले फायरिंग भी कर चुका है। ये जो केस है ग्राम प्रधान वाले जो देवेंद्र सिंह प्रधान है, उनके खिलाफ जो रिपोर्ट कराई गई है वो बिल्कुल झूठी है। घटना स्थल पर ना प्रधान जी थे ना उनका बेटा था। देखिए, हमारे पास उनकी सीडी है, सीसीटीवी फुटेज है, इतने सारे हमारे पास सबूत हैं। वो उस टाइम अलीगढ़ थे, अपनी गाड़ी का काम करवा रहे थे, बहुत सारे काम थे। घटना 6 बजे की है, वो वहाँ सुबह के निकले हुए थे और अलीगढ़ थे। उनका बेटा मैरिज होम पे था और वो काम संभलवा रहा था। ये बच्चे मैरिज होम पे उस बच्चे के साथ थे। कैसे, क्या घटना हुई थी? घटना ये हुई थी, हमने सिर्फ सुना, हमें तो सिर्फ खबर मिली थी कि गाँव में किसी का झगड़ा हुआ है और झगड़े में उनका नाम आया। ऐसा भैया क्या, जैसे मेरा बेटा आयो अलीगढ़ अपने काम करवा दे, का फुटेज कैमरा ने में सीसी कैमरा ने करवा लें तो मैं अपने घर ही ना कि मेरो घर ही जैसे वो लगा रो लाट फाट जिन्हें बालक ने संग जता मेरे जो हम पे और जिस सबूत है तो मैंने देवेंद्र से कही है। मैं देवेंद्र तक कोई बात सुनी है कि मम्मी मैं कसू पत होना है कि मैं ऐसे ऐसे कोई दुर्घटना है गई है कि मैं ना सुनी तो मैं त्यों नाम ले रहे हैं तो मैं तू ऐसा बेसमा है कि ये त्यों नाम ले रहे हैं झूठ। तो पुलिस वाले पहुँचे मेज और क्या फैसला कर लिए और झूठो नाम पिता जी को ले रहे हैं। तो इतनी देर में देवेंद्र ऐसा कोई 8 बजे करीब घर पहुँचे हुए तो मैं पुलिस को माते डिगर आई तो जी खत्म ना है भाई। तो फिर लेकर देर पीछे खत्म है तो मैं तो खत्म है तुम्हारा नाम हो अब जिमा रही तो मैं कपता के जोर गई। मेरा बेटा है निर्दोष और निर्दोष फंसाया जा रहा है। अलीगढ़ की सिविल लाइन का मामला है जो एक दंपति में मेकअप को लेके विवाद इतना बढ़ गया कि दोनों अलग रहने की जिद पर आ गए। पति ने तो यहाँ तक कह दिया कि जब पत्नी मेकअप करना छोड़ेगी तो ही मैं उसके साथ रहूँगा। जी हाँ, सुनने में आपको बड़ा अटपटा लग रहा होगा लेकिन ये बिल्कुल हकीकत है। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि आज के समय में महिला पति छोड़ सकती है पर मेकअप नहीं। इसी मुद्दे को लेकर महिला की ओर से परिवार न्यायालय में एक अजीब तरीके का प्रार्थना पत्र दायर किया है। प्रार्थना पत्र में महिला ने अपने शौहर का सजने संवरने के लिए पैसे नहीं देने का आरोप लगाया है और महिला ने अपने शौहर से तलाक मांगने के लिए ये अर्जी दायर की है।
महिला का आरोप है कि वह अपने पति से बार बार अपने सजने संवरने के लिए पैसे मांगती है, लेकिन उसका पति उसे पैसे देने से इनकार कर देता है। इस मामले की दायर अर्जी के मुताबिक बता दें कि 2015 में महिला की शादी हुई थी। दोनों के पास कोई संतान नहीं है। पति निजी कंपनी में नौकरी करता है। महिला की उम्र महज अभी 25 वर्ष है। जी, किस तरह घटना हुई सर आपके साथ, कब शादी हुई, जो आपने केस डाला, क्या पूरा मामला? मेरी शादी सन 2015 में हुई थी और शादी के कुछ दिन तक तो सही चला था, एक साल तक। उसके बाद ये लोग मुझे बहुत परेशान करने लगे थे, कहने लगे कि तू इस घर के लायक नहीं है। मेरा हस्बैंड भी ये बोलने लगे कि तू इस घर में नहीं रह सकती, तू इतनी सुंदर नहीं है जो मेरे लायक रह सके, मैं यहाँ से तुझे निकाल रहा हूँ। मेरी सास ने भी ये बोला। मेरी सास ने रात को 11:30 बजे मुझे निकाला था घर से। मैंने बोला मम्मी जी मुझे क्यों निकाल रहे हो, मैं तो आपकी बेटी के समान हूँ। तो बोलने लगी कि तू मेरी बेटी के समान नहीं हो सकती, तू बहुत मेरे लायक है ही नहीं, मेरे इस घर के लायक ही नहीं है, तू यहाँ से निकल जाएगी तो अच्छा ही होगा। फिर मैंने अपने पापा को बताया, पापा ने बोला कि ऐसे कि बेटा कोई बात नहीं, मम्मी ने भी बोला कोई बात नहीं बेटा, ऐसा होता रहता है ससुराल में। फिर भी मैं चले गई थी। फिर वहाँ पे मेरा एक ऑपरेशन भी करवाया था, वहाँ पे पता नहीं क्या कराया था, लेकिन मुझे बेहोशी में सब कुछ हुआ था, ये नहीं मालूम क्या हुआ था। लेकिन वहाँ पे मेरा जो मैं ससुराल वापस आई थी तो वहाँ पे काम भी करवाने लगी कि काम कर, ये कर, वो कर। मिस जेठानी को बाहर अपने मायके भेज दिया था। उसके बाद भी फिर कुछ नहीं, मैंने कहा मम्मी मुझे ऐसे ऐसे प्रॉब्लम हो रही है और ये काम करा रही है मेरे से। मम्मी ने बोला बेटा तू यहाँ पे आ जा। फिर यहाँ पे आई, फिर वहाँ पे कहने लगा कि वहीं पे रह तू, अब यहाँ आने की ज़रूरत नहीं है, मैं वैसे भी तेरे को वहीं भेजना चाह रहा था, तू अच्छा हुआ अपने अपनी तरफ से चली गई। किस तरह का मामला है, फैमिली कोर्ट में मामला आया है जो तलाक तक पहुँच रहा है, क्या है? ये वर्ष 2015 में एक लड़की की शादी हुई, दिल्ली का लड़का है वो, और उसके बाद में वर्ष 2020 में उसने जो है खर्चे के लिए यहाँ पे बात दायर किया है, और परवा न्यायालय फर्स्ट में इसका केस जो विचाराधीन है। अब वो पत्रावली काउंसलिंग के लिए मेरे पास आई है, और उसकी दो डेट उसमें हो चुकी हैं। दोनों डेटों पे फैसला कराने का प्रयास किया गया, या तो साथ साथ रह लें, या अगर वो साथ साथ नहीं रहना चाहती तो अपना जो है विवाद किस चीज़ पर डाला हुआ? विवाद उन्होंने खर्चे के लिए बात दायर प्रस्तुत किया है कि वो 2 वर्ष से अलग रह रही है, लेकिन उसके हस्बैंड ने कोई खर्चा नहीं दिया है। तो ऐसी स्थिति में उसकी ये माननीय न्यायालय ने पत्रावली मेरे पास भेजी है काउंसलिंग के लिए, तो उसमें काउंसलिंग जारी है, उसमें 6 तारीख नियत है। अलीगढ़ की रहने वाली साहिबा ने अपना एक वीडियो वायरल किया है। उसमें उसने बताया है कि उसके ऊपर ससुराल के लोगों ने किस तरह से ज्यादती की है। वहीं साहिबा ने आरोप लगाते हुए बताया है कि उसके ससुराल वालों ने शादी के बाद से ही उसे जहेज के लिए प्रताड़ित करना शुरू कर दिया था। उसने इसकी जानकारी कई बार पुलिस को भी दी, मगर पुलिस की तरफ से कोई भी सुनवाई नहीं हुई। बता दें उसका निकाह 3 वर्ष पहले सिकंदराबाद के युवक से हुआ था। शादी के बाद दंपति पर 2 बेटे हैं। वहीं 20 दिसंबर को उसके छोटे बेटे की तबीयत बिगड़ गई थी, जिसकी वजह से उसने अपने ससुराल वालों से उसकी दवा लाने को कहा। वहीं दवा दिलाने के बजाय ससुराल वालों ने उसे मारना पीटना शुरू कर दिया, साथ ही मारते मारते उसको फांसी के फंदे से लटका दिया। मारपीट के दौरान फांसी लगाते समय ससुराल वालों को लगा कि कहीं ये मर ना जाए, उससे वे फंस जाएंगे, ये सोचकर वह रुक गए और उसकी गंभीर हालत देखकर मेडिकल कॉलेज में छोड़ गए। अब महिला ने मदद के लिए अपना वीडियो वायरल किया है। मेरे सास ससुर ने मुझे मारा, फांसी लगाने की कोशिश करी है, मुझे यहाँ पर छोड़ गया अस्पताल में, मेरे सास भी ससुराल भी सब भूखे, मुझे यहाँ से छोड़ के मेरे माँ बाप मुझे यहाँ देख रहे हैं, कोई ना देख रहा मेरे साथ, कोई ना है। मुझे आदित्य ना से प्रार्थना करती हूँ ना केड़ी से केड़ी सिर दिलाए जाए। मेरे देवर जेठों ने मुझे मारी है, यहाँ अस्पताल में मुझे भर्ती करके भूख गए, मुझे सबने मुझे मारने की कोशिश करी, कई बार मेरे फांसी लगाने की कोशिश करी है। अलीगढ़ के मडराक में बाइक सवार व्यक्ति को पीछे से अज्ञात वाहन ने बुरी तरह टक्कर मार दी। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि मौके पर ही युवक की मौत हो गई। ये देख आसपास के लोग और राहगीरों के द्वारा घटना की जानकारी इलाका पुलिस को दी गई।
मौके पर पहुंची पुलिस ने मृत अवस्था में व्यक्ति को उठाया और मलखान सिंह ले गए, जहां डॉक्टर्स ने उसको मृत घोषित कर दिया। परिवार वालों को जब सूचना दी गई तो मौके पर पहुंचे परिवार के लोगों ने बताया कि संजय अपनी बाइक से पेट्रोल लेने जा रहा था, तभी मथुरा क्षेत्र पर किसी अज्ञात वाहन से उसकी टक्कर हो गई। मृतक की खबर सुनते ही परिवार में कोहराम मच गया है। वहीं पुलिस ने पोस्टमार्टम के लिए शव को भेज दिया है। ये एक एक्सीडेंट केस आया था, अभी संजय नाम का व्यक्ति था, उसके पिता का नाम राजकुमार है, मईनाथ का रहने वाला था, थाना मथुरा का। इसको पुलिस मृत अवस्था में यहाँ लाई थी, तो इसको हमने मोर्चरी में रखवा दिया। देश प्रदेश की छोटी बड़ी खबरों की जानकारी के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।